आज हम सर्दियों के मौसम में बनने वाला बहुत ही टेस्टी सा पीठा बनाएंगे। ये बंगाली स्वीट पीठा है, इसे पारिसाप्ता पीठा कहते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कप से, 1 कप से थोड़ा कम चावल का आटा। तो जितना कम लिया है ना उतना हमें लेना है मैदा, मतलब 3 चम्मच मैंने कम लिया था तो 3 चम्मच मैदा ले लिया। तो ये बिल्कुल 1 कप हो गया है। 1 कप ना मेरा बिल्कुल मेजरिंग कप के बराबर है। उसी कप से हमें लेना है 1/3 कप शुगर, यानी कि वेट में ये 80 ग्राम है। और उसी कप से देखिए मैंने मिल्क लिया है, ये मिल्क 4 चम्मच सिर्फ कम है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले हम सूखा मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। तो सारा मिल्क हमें ऐड कर देना है, एक बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इसमें मैदा डालने से क्या होता है ना, जो हमारा ये पीठा बनेगा सॉफ्ट बनेगा और जल्दी फटेगा नहीं, ये फटने भी नहीं देता है। तो सारी चीज़ों को देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 इलायची के दाने। अब इसे हम मिक्सचर के जार में डालेंगे और 30 सेकेंड के लिए इसे पीस लेंगे। पीसने से क्या होता है कि हमारा शुगर पीस जाएगा और जो चावल है ना और भी स्मूथ हो जाएगा, जिससे हमारा ये पीठा है बहुत ही सॉफ्ट सा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए छोटे वाले बाउल में मैंने थोड़ा सा कम पेस्ट लिया है और उसमें मैंने येलो कलर ऐड कर कर मिक्स कर दिया। 1 पिंच ही येलो कलर ऐड किया है। और यहाँ पर बड़े वाले बाउल में जार को धोकर पानी ऐड कर दिया है, जो 8 चम्मच है। तो इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट। तो इसे हम रेस्ट पर रख देंगे। अब हम यहाँ पर अपना बीच वाला पोर तैयार करेंगे। तो ले लेना है हमें उसी कप से 2 कप मिल्क, यानी कि 1/2 लीटर हमें मिल्क लेना है। दूध में उबाल आने लगे हैं तो हम इसमें ऐड करेंगे बारीक वाली 2 चम्मच सूजी, यानी कि रवा। सूजी डालने से क्या होगा, जो हमारा ए बनेगा पूर ना वो बिल्कुल दानेदार बनेगा और कम दूध में हमें थोड़ा ज़्यादा पूर मिल जाएगा। देखिए बहुत फटाफट से ये सूखा होने लगा है। तो अब इतना सूखा हो गया तो इसमें हम अब चीनी ऐड करेंगे। तो फिर से हमें 1/3 कप ही चीनी ऐड करना है, यानी कि 80 ग्राम। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो 100 ग्राम तक डाल सकते हो। चीनी डालने के बाद देखिए अब ये कैसा सूखा हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट। अब इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और यहाँ पर आप हमारे इस चावल के पेस्ट को देख लीजिए, दोनों बिल्कुल परफेक्ट। इसे थोड़ा हमें गाढ़ा रखना पड़ता है पीले वाले को, और व्हाइट वाला हम थोड़ा पतला रखते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा पानी डाला। और यहाँ पर मैंने इसे एक प्लास्टिक में भर लिया है और इसे हम करेंगे कट। तो यहाँ पर इसका ना मुँह हमें थोड़ा बड़ा ही काटना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटना पड़ता। तो यहाँ पर आप देखिए मैं कितना काट रही हूँ, बस इतना ही। और आप देखिए इसका मुँह। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से अपने तवे की तरफ चलेंगे। तो तवा हो गया है गर्म, इसमें हल्का सा घी ग्रीस करेंगे और फटाफट से इसकी जलेबी बना देंगे। मतलब इसे जलेबी की तरह ही घुमाकर गोल गोल हमें बना लेना है। तो इसे हमें सिर्फ 10 सेकंड तक छोड़ना है। 10 सेकंड में थोड़ा सा ये सूखा हो जाएगा तो उसके ऊपर से हम व्हाइट वाला डालना शुरू कर देंगे। हमें फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं बनाना। अभी मेरा तवा गर्म है, तवे को पहले गर्म कर लेना है, उसके बाद हमें फ्लेम को लो कर लेना है। तो पहले वाला पीठा आप देखिए थोड़ा लाल बनेगा, तो इसे मैं ढक दिया है। ढकने के बाद देखिए 1 मिनट के बाद ही मैंने इसे हटाया और बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ढकने से क्या होगा ना कि नीचे ऊपर दोनों तरफ ही पक जाएगा, क्योंकि हमें इसे उलटना नहीं है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट देखिए बन चुका है। इसमें बीच में हम पूर को लगाएंगे, तो इसे हमें थोड़ा लंबा कर कर पूरी रोटी के बराबर लगाना होता है, जिससे कि हम रोल करेंगे ना तो ये बीच में हर तरफ से आए, कहीं पर बाकी ना रहे। तो यहाँ पर इसे फैला दिया, तो उस टाइम आपने देखा था ना ये पतला सा था, अभी कितना ये गाढ़ा पूर हो गया है और तुरंत ही ठंडा भी हो गया, क्योंकि ठंडी का समय है तो ठंडा करने में समय नहीं लगता। और ये डिश ना ज़्यादातर ठंडी के ही समय में बनाई जाती है, नए चावल के आटे से ही बनाई जाती है। तो आप जितना कोशिश कीजिएगा इसे बनाने के लिए तो नए चावल का आटा ही लीजिएगा। तो देखिए कितना परफेक्ट, लेकिन हल्का सा लाल हुआ है। दूसरे वाला देखिए, अब तवा हल्का ठंडा हो चुका था, लो फ्लेम पर ही इसको भी मैंने बनाया, लेकिन ये इसका कलर कितना अच्छा आया है। और सारा पीठा मेरा बन चुका है, तीन ही पीठा बना।
और यहाँ पर देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही शानदार, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। ठंडी के समय में ना बंगाल साइड में ये ज़्यादातर बनाई जाती है। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए।